नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास आया है पल्सर NS200 जो कि E20 वेरिएंट है और ये गाड़ी सिर्फ 14 मंथ ओल्ड है। तो आज का इस वीडियो में दोस्तों इस गाड़ी के ABS के ऊपर मैं वीडियो दिखाऊंगा। तो प्रॉब्लम जो है दोस्तों, इसका सामने का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसका पीछे का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो फेल हो जा रहा है। डुअल चैनल ABS सिस्टम है दोस्तों। आज का इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ABS में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मैकेनिक के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो जो है दोस्तों वो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले इसका पीछे का जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब ब्रेक का जो पैडल है दोस्तों वो फुल दबाने के बाद भी दोस्तों ये जो व्हील है दोस्तों वो मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब ब्रेक एकदम से ही नहीं लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मैंने ब्रेक प्रेस कर दिया है ना, और एक पैर से मैं देखिए हल्का सा, ठीक है, व्हील देखिए दोस्तों पूरा फ्री है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है। तो देखा दोस्तों इसका ब्रेकिंग सिस्टम किस तरीके से फेल हो रहा है। ऐसा नहीं कि दोस्तों इसमें काम हुआ नहीं है, मैंने कल रात बहुत ट्राई किया इसमें ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिव करने के लिए, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो रहा है। फिर आज सवेरे दोस्तों मैंने इसके ऊपर बहुत सारा टाइम मैंने वेस्ट कर दिया है, लेकिन सब कुछ होने के बाद यह ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा दूसरे काम पर बिजी हो गया था तो इसीलिए यह गाड़ी को मैं दिखाने में थोड़ा सा लेट हो गया है, और अभी जो है दोस्तों नाइट का टाइम चल रहा है। तो अब देखते हैं दोस्तों इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों मास्टर सिलेंडर का ये जो कैन है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पूरा फुल है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसको खोल के। ये देखिए दोस्तों ऑयल जो है देखो, ये देखिए दोस्तों ऑयल का लेवल देखिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब इस एयर नट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लूज कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना कम प्रेशर आ रहा है ना। लेकिन दोस्तों इसमें से जो प्रेशर बनना चाहिए वो बहुत ज़्यादा बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन बन नहीं रहा है, और काफ़ी हद तक दोस्तों देखिए एयर भी बबल्स निकल रहा है। ये देखिए देख रहे हैं ना दोस्तों कितना सारा बबल्स निकल रहा है। ये जो प्रोसेस है दोस्तों, तो ये प्रोसेस हम लोग ABS यूनिट जो है वो दिखाई दे रहा है ना, तो ABS यूनिट को हाथ लगाने से पहले ये सिंपल जो प्रोसेस है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे अगर प्रेशर जनरेट नहीं होता है किसी कारण से, तब जाके हम लोग ABS यूनिट पे हाथ लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस आप लोगों ने देखा है ना दोस्तों, ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी मैं दो दिन से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जाके मैं आप लोगों को ABS यूनिट को खोल के दिखाता हूँ। इसको खोलने के टाइम पे ना दोस्तों थोड़ा सा आराम से खोलना चाहिए, अगर यहाँ पे जो थ्रेड बना रहता है ना 14mm का ये जो नट है, तो इसका जो थ्रेड बना रहता है, तो अगर ये बाय चांस अगर ये कट जाता है ना, तो आपको पूरा जो ये ABS यूनिट है इसको चेंज करना पड़ेगा, और ये बहुत महंगा आता है, ये 200-300 का आइटम नहीं है, ये जो यूनिट है ये काफ़ी महंगा आता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ओरिंग रहता है, ये तांबे का एक ओरिंग रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो पाइपलाइन है ना, मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ। अब इस पाइपलाइन में जैसे ही मैं ये जो पैडल है, तो ये पाइपलाइन सबसे पहले मैंने जैसे आप लोगों को कहा था ये पाइपलाइन कहाँ से आ रहा है, तो ये पाइपलाइन को हम लोग थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों मैं ये पाइपलाइन को खिला रहा हूँ ना, तो ये पाइपलाइन यहाँ से ये जो पाइपलाइन है ये देखिए ये पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है ये बिल्कुल यहाँ से आके ये जो मास्टर सिलेंडर का जो ये है पाइप यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही हम लोग ये जो ब्रेक प्रेस करते हैं ना, तो ये मास्टर सिलेंडर का जो ये कैन है यहाँ से ऑयल सर्कुलेट होने के बाद वो प्रेशर जनरेट करके यहाँ से इस पाइपलाइन के थ्रू आगे भेजता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो ऑयल है ना वो ऊपर नहीं आ रहा है,
ये देखिए दोस्तों, मैं ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑयल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर ऑयल सप्लाई नहीं आएगा, वो ABS यूनिट पे प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा। ये जो पाइपलाइन है, जो कि इस कैलिपर का जो ये पाइपलाइन है, यहाँ पे वो प्रेशर नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, ये कैलिपर जो है वो ब्रेक नहीं लगा पा रहा है। दोस्तों, अब आप लोगों का मन में ये सवाल आ सकता है कि ये मास्टर सिलेंडर जो है ये ख़राब हो सकता है, क्योंकि मास्टर सिलेंडर के अंदर भी दोस्तों एक पिस्टन लगा रहता है, उसमें दोनों ओरिंग लगा रहता है। वो ओरिंग का क्या काम है, जैसे ही हम लोग इस ब्रेक को प्रेस करते हैं, वो ऑयल को यहाँ से सर्कुलेट कर देता है इस पाइपलाइन के अंदर से, ठीक है, जो कि यहाँ पर पाइपलाइन में ऑयल निकलना चाहिए जैसे ही हम लोग ब्रेक प्रेस करते हैं। अगर इस पाइपलाइन में अगर दोस्तों ऑयल का सप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पे अगर प्रेशर वो नहीं लगाएगा, तो इस पाइपलाइन के थ्रू से दोस्तों ऑयल प्रेशर इस कैलिपर में नहीं जाएगा, और जब तक इस कैलिपर में ऑयल का प्रेशर नहीं जाएगा, तब तक दोस्तों ये कैलिपर अपना काम नहीं करेगा और ब्रेक जो है वो फॉल्स लगा ही रहेगा, वो बिल्कुल टाइट नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, मैंने 2 दिन से इसको ट्राई किया है, लेकिन इस पाइपलाइन के थ्रू से दोस्तों हरगिज़ ऑयल का सप्लाई नहीं आ रहा है। अब दोस्तों एक काम मैं करूँगा, एक ये जो सिरिंज है दोस्तों, इसका मैं हेल्प लूँगा। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, और यहाँ पे दिख रहे हैं ना दोस्तों, एक होल है, तो यहाँ से जो है ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो ऑयल है वो थोड़ा सा प्रेस कर दूँगा, ठीक है। तो ये पाइपलाइन जो है, ये पूरा जो पाइपलाइन है, ये पूरा पाइपलाइन में ऑयल भरना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने थोड़ा सा भर दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं जैसे ही इसको मैं अपना उंगली को हटाऊंगा ना, तो ये ऑयल नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, इस पाइपलाइन में पूरी तरीके से ऑयल जो है वो भर गया है, ठीक है। ABS यूनिट में दोस्तों, जब भी आप लोगों का ब्रेक ऑयल का जो जितना भी काम है दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ब्रेक ऑयल जो है दोस्तों, वो किसी भी मेटल में जहाँ पे पेंट लगा हुआ है वहाँ पे ना गिरे, क्योंकि ये पेंट ख़राब कर देता है, ठीक है। तो अगर गिर भी जाए तो तुरंत साफ़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ABS का जो यूनिट है, यहाँ पर ये जो मास्टर सिलेंडर का जो ये पाइपलाइन जा रहा है ना डायरेक्टली, तो इसको हम लोग अब इंस्टॉल कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा ऑयल जो है वो रिफिल कर देते हैं। ताकि दोस्तों प्रेशर देखते हैं, इसके बाद प्रेशर जनरेट हो रहा है कि नहीं। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। इसको टाइट करने के टाइम पे दोस्तों, अपने हल्का हाथ से इसको सबसे पहले टाइट कर लीजिएगा, ठीक है। रेंज वगैरह से इसको टाइट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि इसका अगर थ्रेड किसी कारण से अगर कट जाता है ना, तो पूरा जो ABS यूनिट है वो चेंज करना पड़ेगा। तो ABS यूनिट 10,000 के नीचे नहीं है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। टाइट इतना करना है दोस्तों, ना कि ज़्यादा ना कि लूज, ठीक। तभी ये बराबर टाइट हो गया। देखते हैं जो प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं ब्रेकिंग का, जो एयर बबल्स को हटाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं प्रेस कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे प्रेस करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मास्टर सिलेंडर सॉरी कैलिपर पर ये जो 10 mm का जो ये नट है, तो यहाँ पर आप लोग फोकस कीजिए। अब जैसे ही मैं इस 10 mm का जो ये बोल्ट है ना दोस्तों, इसको मैं जैसे ही लूज़ करूँगा, तो ऑयल का प्रेशर में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक को प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रेशर को थोड़ा सा और जनरेट कर देते हैं। अब ये फाइनल हो गया है। चक्का को घुमाओ, हाँ ये देखिए दोस्तों, ठीक है, चक्का घुमाओ, ये देखिए दोस्तों घूम रहा है ना। अब मैं ब्रेक को प्रेस कर रहा हूँ, ठीक, चक्का लॉक हो गया है। अब घुमाओ, ठीक, ये देखिए दोस्तों मैं ब्रेक को प्रेस कर रहा हूँ। मैं और थोड़ा सा दूर से मैं दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक, चलो
तो ये जो ABS का जो प्रॉब्लम था दोस्तों, ये फिलहाल सॉल्व हो गया है। तो देखा दोस्तों, रेयर ब्रेकिंग का जो सिस्टम है दोस्तों, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। और आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए